लोकसभा चुनाव करण दूसरे चरण के नामांकन आज से प्रदेश की 13 सीटों के लिए होंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक पीसीसी वॉर रूम में जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण करौली भरतपुर और दौसा सीट को लेकर होगा मंथन। प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा सहित दिग्गज रहेंगे मौजूद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 8वीं बोर्ड परीक्षाएं आज से पहले दिन अंग्रेजी की परीक्षा 4 अप्रैल तक होगा आयोजित। आईपीएल सीजन 2024 राजस्थान रॉयल्स का आज अपने घरेलू मैदान में दूसरा मैच दिल्ली से होगा मुकाबला। दिल्ली में हुई कांग्रेस सीसी की बैठक मीटिंग के बाद 8वीं सूची जारी 4 राज्यों के 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में प्लास्टिक कचरे में लगी आग दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अन्नामलाई ने कोयटुम्बर संसदीय क्षेत्र से नामांकन किया दाखिल तमिलनाडु की कोयटुम्बर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अन्नामलाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव के लिए किया दाखिल नामांकन नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में भरा नामांकन। भाजपा उम्मीदवार अजय भट्ट ने नैनीताल लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य व्यक्ति मौजूद। अभिनेता रामचरण ने जन्मदिन पर परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के किए दर्शन परिवार के साथ मंदिर में की पूजा अर्चना। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्ला अखुंदजादा ने महिलाओं के खिलाफ एक नया फरमान जारी किया अवैध संबंध पर महिलाओं को पत्थर मारकर सजा देने की बात। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली के काम। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन राम इकबाल ने बीकानेर से किया नामांकन विभिन्न पदाधिकारी नामांकन के दौरान रहे मौजूद। चूरू से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा ने दाखिल किया नामांकन तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया सहित कार्यकर्ता मौजूद। करौली धौलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव ने भरा नामांकन पूर्व विधायक लाखन सिंह जिला अध्यक्ष शिवराज मीणा टोड़ा भीम विधायक घनश्याम मेहर सहित कई नेता मौजूद। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस जवानों और अधिकारियों ने धूमधाम से मनाया होली का त्यौहार एसपी लक्ष्मण दास कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के साथ जवानों ने भी होली खेली। पुलिस अधिकारी और जवान आदिवासी लोकगीतों पर जमकर थिरकते हुए दिखाई दिए एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। प्रतापगढ़ की कोटड़ी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया पुलिस ने 4 लाख रुपए की बियर और शराब पकड़ी एक तस्कर को गिरफ्तार किया पुलिस तस्कर के कब्जे से 41 पेटी बियर 6 पेटी अंग्रेजी शराब और 21 पेटी देशी शराब की जब्त की है पुलिस तस्कर से पूछताछ में जुटी। प्रतापगढ़ में एक बंदर की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई हादसे के दौरान नगर परिषद में लगे ट्रांसफार्मर में भी आग लगी जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया दमकल कर्मियों की सूझबूझ से तुरंत आग पर काबू पाया गया जिससे बड़ा हादसा होने से प्रतापगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाते एक शराबी को गिरफ्तार किया समय रहते पुलिस इसको काबू में नहीं करती तो बड़ा हादसा हो सकता था शराबी को अब कोर्ट में पेश किया जाए। डूंगरपुर के गामड़ी गांव में शराब के नशे में पत्नी से झगड़ा करके सोए पति की सुबह संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई पुलिस ने डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चे में शव रखवाया पुलिस मामले की जांच। डूंगरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला परिषद सभागार में एफएसटी और एसएसटी को प्रशिक्षण दिया गया है प्रशिक्षण में एफएसटी और एसएसटी दलों को आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ नकदी व अन्य वस्तुओं को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश। डूंगरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध रूप से शराब की बिक्री और भंडारण के खिलाफ पुलिस सख्त दिखाई दे रही है पुलिस ने महुड़ी गांव में शराब के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया आरोपी के कब्जे से 5 कार्टन शराब जब्त की गई पुलिस आरोपी से पूछताछ। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने 3 कार्रवाइयों को अंजाम दिया अवैध हथियार 315 बोर कट्टा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया दूसरी कार्रवाई पुलिस ने अवैध शराब बेचते तस्कर को गिरफ्तार किया तस्कर के कब्जे से 54 देशी शराब के पौवे बरामद हुए तीसरी कार्रवाई में सट्टे की पर्ची और 1,120 रुपये के साथ सटोरे को गिरफ्तार किया गया फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। धौलपुर के कांसेटी खेड़ा गांव में खेत में रखी सरसों की कटी फसल की ढेरी में अज्ञात कारणों से आग लगी जानकारी के मुताबिक पीड़ित खेत मालिक को सुबह तब इस बात की भनक लगी जब तक फसल जलकर खाक हो चुकी थी ऐसे में उसने सरपंच सहित पुलिस प्रशासन को सूचित किया साथ में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सदर थाने में फसल को जलाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया।
धौलपुर के भाड़ी में बारह भाई मेले का ध्वज स्थापना के साथ आगाज हुआ। मेला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रजापति ने मेले की ध्वज को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ कार्यालय के ऊपर छत पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद स्थापित किया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे। भीलवाड़ा के आसेद में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में युवक की मौत हो गई। जैतपुरा निवासी कैलाश भील की मौत हो गई। आसिंद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया गया। आसिंद मुख्यालय से अपने निवास जैतपुरा जा रहा था युवक। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजसमंद के बुढ़ान गांव में महादेव मंदिर पर 9 अप्रैल से हनुमान जन्मोत्सव तक 15 दिवसीय अखंड रामचरितमानस पाठ, 9 कुंडीय यज्ञ और भक्तमाल कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आयोजन की प्रचार सामग्री का विमोचन महंत रामदास, डॉक्टर बलरामदास और जानकी दास के सानिध्य में किया गया। पारा चढ़ने के साथ शहर से सटे पहाड़ी और वन क्षेत्र में आग की घटनाएं शुरू हो गई। सलूम्बर के सड़ाडा वन क्षेत्र के केवड़ा वन क्षेत्र की पहाड़ियां गत 5 दिनों से जल रही हैं, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं गया। आग से अब तक 600 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई। वन कर्मियों की अब सांसें फूलने लगी, लेकिन आग लगातार फैल रही। राजसमंद के कोठारिया गांव में होली खेलते समय दो पक्षों में कहासुनी के बाद पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हुए। नादवारा थाना पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। कोटा की कोठारी थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी सुनील पवार, पीयूष वाल्मीकि, गोविंद वाल्मीकि को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने लोहे के पाइप से हमला कर युवक को मार दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। 12वें जिला निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडी सचिव मनोज मीणा ने व्यापारी और उपस्थित जन को 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने का संकल्प दिलाया। बारा में होली पर्व के अवसर पर चंद्रप्रभु नवयुवक मंडल द्वारा फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान दादा गुरुदेव की प्रातः पूजा अर्चना की गई। भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी समाज बंधुओं द्वारा दादा गुरुदेव की पूजा का धर्म लाभ प्राप्त करके किया गया। झलावाड़ में पति की मारपीट से तंग आकर पत्नी ने चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मृतका मोना के पीर पक्ष के लोगों ने पति दिलीप गुर्जर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। झलावाड़ शहर के आसपास चल रहे अवैध ईंट भट्टों को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में है, जिन पर कार्रवाई के बाद संचालकों में हड़कंप मच गया। उपखंड अधिकारी संतोष मीणा ने मौके पर पहुंचकर नोटिस तामील करवाए और नियमानुसार जुर्माना और कार्रवाई के आदेश दिए। 12वीं जिला शतरंज संघ की ओर से ग्लोबल किड्स स्कूल में आयोजित कार्यशाला में बच्चों को शतरंज खेल का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे नन्हे छात्र छात्राओं ने शतरंज के बिसात पर मोहरों की चालों को रोचकता से सीखा। झलावाड़ के बकानी पुलिस की मादक पदार्थ तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 480 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, डोरा चूरा और तस्करी में प्रयोग लिया गया ट्रक को जब्त किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारह में भाजपा ने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर नमो ऐप माइक्रो डोनेशन अभियान को लेकर मंडल संयोजक उप प्रधान धर्मेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। अभियान के मंडल संयोजक मनीष सुमन व सह संयोजक मोहित मेहता की अगुवाई में कोयला के छप्पन जी महाराज के बाग पर कार्यकर्ताओं से डोनेशन करवाया गया। बारा के अटरू में तलाई स्टेडियम के समीप स्थित ट्रांसफार्मर में हुए अचानक स्पार्किंग से आसपास की कॉलोनी में 11 केवी का करंट घरेलू कनेक्शनों में दौड़ने लगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाखों रुपए के विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। बाद में मौके पर पहुंची टीम ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत करके बिजली व्यवस्था को सुचारू करवाया। बारा कृषि उपज मंडी होली के 2 दिन अवकाश के बाद फिर से खुली है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान माल बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बारा मंडी पहुंचे। मंडी में 2 दिनों से 1 लाख से ज्यादा गेहूं के कट्टों की बंपर आवक हुई, जिससे मंडी प्लेटफॉर्म में जगह जगह गेहूं के ढेर लग गए। झलावाड़ की बकारी में चोरों ने बीती रात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 5 मॉनिटर, 1 सीपीयू, स्मार्ट टीवी, 1 डीवीआर, कीबोर्ड, माउस सहित शिव मंदिर के दान पात्र को चुरा लिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना कर जांच। बारेवाल में किस बस्ती में पानी की किल्लत की वजह से लोग आहत हुए। लोगों ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। दर्जनों महिलाओं ने एएन का घेराव कर समस्या से अवगत करवाया। इस दौरान महिलाओं ने दूरभाष पर विधायक राधेश्याम बैरवा को समस्या से अवगत करवाया तथा शीघ्र पानी की समस्या से निजात दिलवाने की बात कही। अनुगढ़ के विजयनगर में ब्लू माउंट स्कूल की ओर से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्कूल के डायरेक्टर अनिल भांबो ने कार्यक्रम को संबोधित किया। छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। झलावाड़ के सिमलखेड़ी गांव के पास हार्वेस्टर मशीन ट्रक का अचानक स्टेयरिंग फेल हो जाने पर विद्युत पोल से जा टकराई। 2 विद्युत पोल गिरने से चारों ओर करंट फैल गया। ग्रामीणों ने जीएसएस कार्यालय दूरभाष से संपर्क कर विद्युत आपूर्ति बंद कराई। हार्वेस्टर मशीन ट्रक की दुर्घटना से बड़ा हादसा होने से
झालावाड़ रोडवेज डिपो पर बस की छत पर सोया चालक नींद में छत से गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां घायल का इलाज जारी। बारा के किशनगंज में फूलडोल लोकोत्सव के 138 वर्षगांठ पर तीसरे दिन रंगमंच पर शिव तांडव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री राम लक्ष्मण सीता के दृश्य दिखाए गए। हनुमान जी ने खूब नृत्य किया। इस दौरान फूलडोल लोकोत्सव पर निकलने वाली झांकी अश्वांग तमाशों के परिणाम भी सामने आए। डिडवाना के मेगा हाईवे पर आरोपी पर छापा। अंधेरा नगर परिषद की लापरवाही से रात में रहता है अंधेरा। कई बार लाइटों को किया गया दुरुस्त लेकिन नहीं चल रही लाइट। दोनों आरोपी पर लगाई गई लाइट महज बंद कर रह गई थी। शोपीस अंधेरे के कारण पुलिया पर हादसों की आशंका बनी रहती है। नगर परिषद बंद लाइटों को लेकर गंभीर नहीं। ब्यावर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुराचार करने के आरोप में फरार चल रहे नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 1,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यावर के अजमेर रोड पर बनी पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने होली खेली। पुलिस लाइन में आयोजित होली कार्यक्रम में कलेक्टर उत्सव कौशल, एसपी नरेंद्र सिंह, एएसपी हिमांशु जांगड़, डिप्टी राजेश कुमार कसाना, सिटी सीआई नाहर सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। कवि श्री निवास तिवाड़ी का डिडवाना के लाडू पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर श्री निवास तिवाड़ी ने सबकी फरमाइश पर अपनी कुछ चुनिंदा कविताएं भी प्रस्तुत की, जिनकी सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। अजमेर पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान चलाकर बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया। साथ ही अवैध बजरी परिवहन करते मुकेश को गिरफ्तार कर मामले की जांच। नागौर के मूडवा शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में पर्यावरण से संबंधित वार्ता रखी गई। इस दौरान आगंतुक वक्ताओं ने शिक्षा पर भी बात करते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा को बोझ नहीं समझने पर चर्चा की। कुचामन में निजी स्कूल की बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र भीचर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। श्रीगंगानगर में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा ने भरा नामांकन। श्रीकरणपुर विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर भी साथ मौजूद थे। श्रीगंगानगर से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेला ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रस्तावक के रूप में श्रीगंगानगर विधायक जयदेव बिहानी साथ मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बीकानेर पहुंची। बीकानेरदाल हवाई अड्डे पर उनका स्वागत हुआ था। विधायक सिद्धि कुमारी, महामंत्री श्याम सुंदर चौधरी ने उनका स्वागत किया। हलवानगढ़ के मां भद्रकाली मंदिर में 9 अप्रैल से मेले का आगाज होगा। कलेक्टर कालाराम ने जिला कलेक्टर में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में देवस्थान विभाग को पार्किंग, साफ सफाई की व्यवस्था और मेले में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के निर्देश दिए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाने पर चर्चा। हनुमानगढ़ के अधिवक्ता जावेद खान का अपहरण और मारपीट के मामले में बार संघ ने हनुमानगढ़ में वर्क सस्पेंड रखा। वहीं कार्रवाई न होने के विरोध में बार संघ हनुमानगढ़ ने एसपी विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपा। 31 मार्च तक कार्रवाई न होने पर जिले भर में वर्क सस्पेंड की चेतावनी। सिरोही के गुरु नानक कॉलोनी में कई महीनों से नाले के पानी की निकासी नहीं होने से नाला अवरुद्ध हो गया, जिससे गुरु नानक कॉलोनी वासियों के लोगों के घरों के बाहर नालियों में गंदगी पसरी हुई नजर आ रही है, जिससे कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त हो गया। गंदगी के आलम को देखकर कई बार प्रशासन ने 181 पर शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब कॉलोनी में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। पाली में थार जीप अनियंत्रित होकर डिवाइडर क्रॉस कर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। हादसे में जीप सवार दो युवक गंभीर घायल हुए। घायलों का बांगड़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के लिए रेफर किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी। सूर्य में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। आमजन को भयमुक्त निष्पक्ष मतदान का संदेश। हरौदी के घंटियाली पंचायत समिति के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता अभियान और नारी शक्ति फिटनेस दौड़ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कानाराम जैसला, डूंगरदास मेघवाल, प्रिंकल जी, सही राम, मनीष, अन्य स्टाफ मौजूद रहे। हरौदी में लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला महामंत्री रतन मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष ओम बोरा, मदन पालीवाल, हीरालाल भार्गव, इंद्र सिंह, गोपाल रंगा सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित। हरौदी की देचू थाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए वांछित अपराधियों को लेकर कार्रवाई की है। 15,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी भंवर सिंह को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। होली के पर्व पर राष्ट्रीय सेवक संघ जोधपुर महानगर की ओर से गांधी मैदान में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शाखाओं से आए कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वेशभूषा में होली के गीतों की प्रस्तुतियां दी और चंग की थाप थिरकते हुए दिखाई दी।
जैसलमेर के भड़ियाना में पुलिसकर्मियों ने धूमधाम से मनाई होली। थाना अधिकारी देवाराम गोदारा के साथ जवानों ने मिलकर होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। डीजे की धुन पर पुलिस अधिकारियों ने राजस्थानी गीतों पर ठुमके लगाए। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेंशनर को पेंशन नहीं मिलने पर पूर्व कुलपतियों की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पेंशनर ने आंदोलन के आगामी चरण में भूख हड़ताल करने का अल्टीमेटम।